वन विभाग की टीम की कड़ी मशक्कत के बाद सोन नहर में दहशत फैलाने वाला घड़ियाल नासरीगंज सोन कैनाल से पकड़ा गया। इस घड़ियाल को रेस्क्यू करने के लिए वन विभाग समेत स्थानीय प्रशासन लगे हुए थे, लेकिन घड़ियाल रेस्क्यू टीम को चकमा देकर भाग जाता था। 3 दिन पूर्व रेस्क्यू टीम के जाल में फंसने के बाद घड़ियाल जाल काट भागने में सफल रहा था। 10 दिन पूर्व पहली बार घड़ियाल को सबसे पहले डेहरी ऑन सोन स्थित मथुरी पुल के पास सोन नहर में देखा गया था। तब से रेस्क्यू टीम घड़ियाल को पकड़ने की कोशिश कर रही थी। प्रशासन ने भी लोगों और जानवरों को नहर में ना जाने की चेतावनी जारी कर दी थी। आखिरकार बुधवार को दिन भर मेहनत करने के बाद शाम को घड़ियाल रेस्क्यू टीम के पकड़ में आया। घड़ियाल का वजन इतना था कि 25 से 30 लोगों ने काफी मुश्किल से उसे सोन नहर से निकाला। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में वन विभाग के फॉरेस्टर अमित कुमार, फॉरेस्टर गार्ड उदय कुमार, प्रीति कुमारी समेत वन विभाग कर्मी, रोहतास पुलिस एवं प्रशासन लगे हुए थे। रोहतास से विकास चंदन की रिपोर्ट, उज्जवल इंडिया न्यूज़ लाइव। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।